हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीआरबी टीवी में। मेरा नाम लोगराज भट्ट है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं काउंट इफ फंक्शन के बारे में। ये काउंट इफ फंक्शन एक्सेल में उपलब्ध मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत आता है। तो मेरे पास कुछ सैंपल डेटा है इसमें, जिसमें तीन कॉलम्स है। पहला मर्चेंट आईडी है, सेल अमाउंट और स्टेटस टाइप है। तो मैं यहाँ पर एक टाइप के ट्रांजैक्शन को काउंट करना चाहता हूँ। तो मैं पहले CashAtPOS ट्रांजैक्शन जो है उनको काउंट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक लेबल, नंबर ऑफ CashAtPOS। तो दूसरे में मैं लिखूँगा नंबर ऑफ सेल। तो अब मुझे यहाँ पर ये सारे CashAtPOS वाले ट्रांजैक्शन को काउंट करना है। तो इसके लिए काउंट इफ फंक्शन जो है सबसे एप्रोप्रिएट होता है। तो इक्वल टू करके काउंट इफ टाइप करिए और नीचे मैच होने वाले सारे फंक्शन आ जाते हैं। तो आप टैब करिए, टैब प्रेस करिए, टैब की, तो आपको जो सेलेक्टेड फंक्शन है वो सेल में आ जाएगा। तो उसके बाद आपको देना है, इसमें दो आर्गुमेंट है। पहला है रेंज, तो हम उस रेंज को इसमें देंगे जहाँ पर हमें चेक करना है। तो हमें चेक करना है CashAtPOS, जहाँ पर CashAtPOS होगा हम वो सारे ट्रांजैक्शन को काउंट करेंगे। तो इस सारे रेंज में हम देखेंगे, तो ये C2 से लेकर C25 रेंज जो है इसमें देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर CashAtPOS है उन सारे रिकॉर्ड को हम, उन सारे सेल को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा तो पहले रेंज आ गया। दूसरा क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया में हमने CashAtPOS लिख के इंटर प्रेस किया तो हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारे पास टोटल 8-9 है ये, तो इसमें आंसर में भी 9 आ गया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सेल के लिए भी कर सकते हैं। तो या तो हम पुराने तरीके से कर सकते हैं, या यहाँ पर फार्मूलाज टैब से जाकर इंसर्ट फंक्शन में जाके, तो इसमें हम जो फंक्शन का नाम है वो टाइप करेंगे। तो फंक्शन का नाम काउंट इफ है, हम काउंट इफ टाइप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करते ही हमें ये सर्च करके दे देगा मैचिंग फंक्शन। तो हम काउंट इफ को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो यहाँ पर आर्गुमेंट बॉक्स आ रहा है, फंक्शन आर्गुमेंट के लिए एक बॉक्स आ रहा है। तो उसमें हम दे देंगे रेंज, तो रेंज है हमारा C2 से C25 तक। तो C2 से C25 रेंज देंगे इसमें हम, जहाँ पर हमें चेक करना है सेल के लिए। और इसमें क्राइटेरिया है सेल, तो हम सेल ढूंढेंगे और जहाँ पर सेल मिलेगा वहाँ पर काउंट करेंगे। तो इसमें आंसर आ गया है 15। तो यहाँ पर 15 जो है, 15 सेल है हमारे रेंज में। तो इसी तरीके से हमारा रेंज मल्टीपल कॉलम वाला या किसी भी टाइप का रेंज हो सकता है। तो इस रेंज में जो दूसरा क्राइटेरिया है वो सर्च हो जाएगा और जहाँ पर मैच मिल रहा है वो सारे काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा काउंट इफ फंक्शन काम करता है। तो एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर हम क्राइटेरिया में वाइल्ड कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। आपको शायद पता होना चाहिए कि वाइल्ड कार्ड मतलब क्या होता है। हम एस्टिक या जो क्वेश्चन मार्क है ये सारे वाइल्ड कार्ड में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैश और उसके बाद मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख दिया है। तो अगर हमारे और हमारे फंक्शन में मैंने कैश के बाद में स्टार लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला बार में और यहाँ पर भी, तो स्टार का मतलब कुछ भी होता है, एनीथिंग। तो कैश के पीछे कुछ भी होगा तो उसमें काउंट हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर 10 हो गया, क्योंकि 9 तो पहले से ही था। हम मैंने एक को एडिट करके उसमें कैश के बाद में कुछ लिख दिया है तो वो कैश मैच हो रहा है। तो इस तरह से वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं हम। तो दूसरा है, हम क्राइटेरिया में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पर सेल अमाउंट हायर देन 2000, 2000 से ज़्यादा सेल अमाउंट जो है उनको काउंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारे लिए काउंटिफ फंक्शन अप्रोप्रिएट होता है। तो काउंटिफ फंक्शन यूज़ करने के लिए रेंज देंगे हम सेल अमाउंट वाला, तो इसमें से हम वो ट्रांजेक्शन या वो वैल्यूज़ देखेंगे जो वैल्यू 2000 से बड़े है। तो क्राइटेरिया में हम ग्रेटर देन 2000 कर देंगे, उनको स्ट्रिंग में लिख सकते हैं हम यहाँ पर डबल कोटेशन में, ग्रेटर देन 2000 करते ही हमें ये आ रहा है 7 आ रहा है आउटपुट, तो हम यहाँ पर गिन सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरह से हमारे 60 जो वैल्यूज है वो 2000 से बड़े हैं। तो इस तरह से हम क्राइटेरिया में है वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं और हमारा लॉजिकल सिंबल्स। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, लाइक और कमेंट करिए और शेयर भी करिए हमारे वीडियो को, हमारा हौसला बढ़ाइए।